स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से यूपी खबर जानकारी न्यूज में। चलिए दोस्तों जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज दिन भर से लेकर रात तक के सभी मुख्य समाचार, ताजा और बड़ी खबरों को। पर उससे पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे इस मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। उत्तर प्रदेश का दूसरा आयुर्वेद महाकुंभ शुरू, 3 दिन मरीजों का फ्री में होगा आयुर्वेदाचार्य इलाज। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद महाकुंभ तथा ओडीओपी प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुँचे। पुलिस लाइन हेलीपैड पर भाजपा नेताओं, पुलिस प्रशासनिक अफसरों तथा जनप्रतिनिधियों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री का स्वागत किया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने शिरकत की। जानकारी के लिए आपको बता दें तो आज से लेकर कुल 3 दिन तक फ्री में आयुर्वेदा से इलाज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में नींव की खुदाई पर निकला 161 साल पुराना खजाना, मिले 250 चांदी के सिक्के और चूड़ियां। जी हां, उत्तर प्रदेश के जालौन कोतवाली के ग्राम व्यासपुरा में मकान निर्माण के लिए की जा रही खुदाई के दौरान आज जमीन से चांदी के प्राचीन सिक्के मिलने शुरू हो गए। जमीन से सिक्के मिलने की खबर जैसे ही गांव में फैली, लोगों का हुजूम उन्हें लूटने के लिए उमड़ पड़ा। बताने की जमीन से पुराने सिक्के निकलने और लूटने की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और मामले की जांच करते हुए जमीन से मिलने वाले सिक्कों को जब्त कर पुरातत्व विभाग को सूचना देकर पुलिस फोर्स को लगा दिया, जिससे उस इलाके की निगरानी की जा सके। यह पुराने सिक्के चांदी के हैं जो 161 साल पुराने 1862 में अंग्रेजी हुकूम के दौरान चलते थे। उत्तर प्रदेश में छुट्टा गाय बनेगी सोरेगेट मदर, बेहतर नस्ल के लिए गर्भ में पलेंगे बछड़े बछियां। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में IVRI के वैज्ञानिक अब भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी से 1 साल में एक बेहतर नस्ल की गाय से कम 50 भ्रूण तैयार हो सकेंगे। इन भ्रूणों को स्वस्थ छुट्टा पशुओं के गर्भ में स्थापित कर बेहतर नस्ल की बछिया या बछड़े लिए जा सकते हैं। सरोगेसी मदर बनाने का प्रयोग सफलता मिली है। इस विधि से दूध की समस्या भी खत्म होगी और पशुपालकों की आय भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं शिवपाल, अब आलू के रेट पर भी सवाल, कहा ना काफी है श्रीमान। जी हां, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में वापसी और राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर से योगी सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ा है। अब उन्होंने आलू किसानों के लिए योगी सरकार की पहल को नाकाफी बताते हुए सवाल उठा दिया। सरकार ने प्रति क्विंटल 650 रुपए की दर से आलू खरीदने का निर्देश दिया है। इस पर आज तंज कसते हुए शिवपाल ने एक ट्वीट में इस दर को नाकाफी बताया। शिवपाल ने लिखा है, सरकार का 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदने का फरमान नाकाफी है श्रीमान। 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बीज खरीदने वाले किसान के लिए यह समर्थन मूल्य मजाक है। सरकार को न्यूनतम 1500 रुपए प्रति पैकेट की दर से आलू की खरीद करनी चाहिए, कम से कम लागत तो दे दे सरकार। बद्रीनाथ केदारनाथ चार धाम यात्रा 2023 को लेकर जबरदस्त उत्साह, व्हाट्सएप सहित 4 विकल्पों से कराएं रजिस्ट्रेशन। जी हां दोस्तों, चार धाम यात्रा 2023 को लेकर तीर्थयात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा पर जाने के लिए पंजीकरण कराने वाले यूपी, MP, राजस्थान सहित देश विदेश के श्रद्धालुओं की संख्या में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। पर्यटन विभाग के आंकड़ों की बात माने तो बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में 21 फरवरी से शुरू पंजीकरण की संख्या अब 2 लाख के पार हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से इस बार चार धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को व्हाट्सएप सहित 4 विकल्प भी दिए गए हैं। चेताया गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी तीर्थयात्री को दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के इस शहर में 24 घंटे में 200 लोग कुत्ते के शिकार, जाने रेबीज से सावधानी के टिप्स। जी हां दोस्तों, हर 8.5 मिनट में मेरठ में एक व्यक्ति को कुत्ता काट रहा है। जिला अस्पताल और सामुदायिक केंद्रों पर एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने पहुंचे मरीजों के आंकड़े से यह खुलासा हुआ है। वहीं आज तकरीबन 200 लोगों ने एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाई है, इसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल है। बताने की स्थिति चिंताजनक है, यह आंकड़े सिर्फ सरकारी केंद्रों के हैं, निजी केंद्रों पर भी सैकड़ों लोग ARV लगवाने पहुँच रहे हैं। बता दें तो कुत्तों का आतंक शहर से देहात तक है। जिला अस्पताल में जाकिर कॉलोनी, नूरनगर, इस्लामाबाद, घंटाघर, अहमदनगर, लाल कुर्ती, बेगमपुर, भावनपुर, सिसौली, लावड़, सकौती आदि क्षेत्रों तक से मरीज वैक्सीन लेने पहुंच रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में फेसबुक पर अलीगढ़ यूपी 81 से सीएम योगी पीएम मोदी के लिए अमर्यादित टिप्पणी केस दर्ज। जी हां दोस्तों, फेसबुक पर संचालित आईडी अलीगढ़ यूपी 81 से लेकर एक पोस्ट शेयर की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से तमाम प्रमुख लोगों और भाजपा नेताओं पर अमर्यादित टिप्पणी की गई है। इस पर भायुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष सहित तमाम भाजपाई आक्रोशित हो उठे। इस मामले में जिला पुलिस की सोशल मीडिया ने संज्ञान लेकर सिविल लाइन्स में फेसबुक आईडी संचालक पर मुकदमा दर्ज किया है। बता दें तो भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश सिंह सहित तमाम युवा भाजपाई कुआसी थाने पहुंचे हैं। वहां पर निरीक्षक अपराध को तहरीर सौंपते हुए कहा कि अलीगढ़ यूपी 81 नाम की फेसबुक आईडी आरिफ जमान नाम के किसी व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही है, जिसके द्वारा अब होगा न्याय नाम एक पोस्ट अपनी आईडी से शेयर की गई है। यूपी में मरीजों को बड़ी सहूलियत, अब फाइल की जरूरत नहीं, यूनिक हेल्थ आईडी से हो जाएगा इलाज। जी हां दोस्तों, मरीजों को अब इलाज संबंधी दस्तावेज की फाइल अस्पताल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश के अस्पतालों में प्रत्येक रोगी के इलाज का ब्यौरा उपलब्ध होगा। एक क्लिक में रोगी द्वारा पूर्व में कराई गई जाँच और उपचार की पूरी जानकारी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी। यह संभव होगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना से। इसके तहत प्रदेश के हर व्यक्ति की एक यूनिक हेल्थ आईडी बनेगी। अस्पतालों और डॉक्टरों का भी डेटाबेस तैयार किया जाएगा। यूपी में अब इस योजना को और रफ्तार दी जाएगी। केंद्र की इस योजना को यूपी में भी प्रभावी ढंग से लागू किए जाने के फैसले को आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी भी दे दी गई है। हालांकि प्रदेश में इस पर काम पहले ही शुरू हो चुका है, वहीं एक बार फिर से इस काम को और भी तेजी से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जमीन को भी मिलेगी अपनी आईडी, इस सिस्टम से विवाद होंगे खत्म। जी हां दोस्तों, जल्द ही उत्तर प्रदेश में जमीन से जुड़े सीमा विवाद बीते समय की बात होंगे। हेलीकॉप्टर विमान उतारने और उड़ाने में खराब मौसम में भी दिक्कत नहीं आएगी, और तो और ट्रेन के रनिंग स्टेटस की वास्तविक टाइमिंग भी मिलेगी। ये सब होगा स्थापित किए जा रहे कोर्स यानी कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की मदद से ये बेस स्टेशन हर जिले के मुख्यालय कलेक्ट्रेट में लगाया जा रहा है। कासगंज में यह स्थापित किया जा चुका है, इसने काम भी शुरू कर दिया है। वहीं भारतीय सर्वेक्षण विभाग की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक पूरे भारत में इस तरह के 2000 से अधिक बेस स्टेशन स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है। इस बहुउद्देशीय प्रयास में सरकार के साथ कई तकनीकी संगठन भी शामिल है। उन्हें पता है अतीक के बेटे अत्यारी साक्षी महाराज का राम गोपाल यादव पर पलटवार, बोले गुंडों का इलाज है गोली। जी हां दोस्तों, उमेश पाल वाले कांड को लेकर पिछले दिनों से सपा नेता राम गोपाल यादव के बयान अतीक के एक बेटे की एक दो दिन में हत्या हो जाएगी पर सांसद साक्षी महाराज ने पलटवार किया है। सांसद ने आज कहा है कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि अतीक के बेटे अत्यारे हैं, यदि कोई दोषी है उसे दंड मिलना चाहिए। गुंडों का इलाज पुलिस की गोली है, योगी जी को बुलडोजर चलाना आता है। आज एक निजी कार्यक्रम में देवरिया के सलेमपुर पहुंचे साक्षी महाराज ने कहा कि क्या वे राम गोपाल यादव चाहते हैं कि हम भी अपराधियों को माला पहनाएं जैसे उनकी पार्टी के शासनकाल में पहनाई जाती थी। अमेरिकन कोयले की मार, 1 अप्रैल से 1000 रुपए तक बढ़ेंगे ईंटों के दाम, घर बनाना होगा और महंगा। जी हां, आपको बता दें कि घर बनाना अब और महंगा होने वाला है। अमेरिकन कोयले की कीमतें बढ़ने से ईंटों के दाम भी 1 अप्रैल से प्रति 1000 रुपए तक बढ़ेंगे। आम आदमी अभी सीमेंट सरिये की बड़ी कीमतों के झटके से उबर नहीं पाया है कि अब ईंटों के दाम बढ़ने वाले। इस समय प्रदेश में ईंटों के दाम 6500 से लेकर 13000 रुपए प्रति 1000 है। ईंट के दाम बढ़ने का मुख्य कारण इसके निर्माण में इस्तेमाल अमेरिका से आयात किए जाने वाले कोयले के दाम बढ़ना माना जा रहा है। अधिकतर भट्टा मालिक ईंट पकाने के लिए अमेरिका से ही आयात कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें कि अभी तक कोयले की कीमत 18000 रुपए प्रति टन है, लेकिन अब यह 25000 रुपए पहुँच गई है। हार्ट अटैक से चल बसा उमेश पाल वाले कांड के शूटर का भाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, उमेश पाल वाले कांड में फरार 2.5 लाख के इनामी शूटर साबिर के भाई जाकिर बीमारी से चल बसा था, लेकिन आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि दिल का दौरा पड़ने से वह चल बसा था। उसके शरीर पर कोई जाहिर चोट के निशान नहीं मिले हैं, उसके पेट को जानवर नोच कर खा गए थे। उसका शव मिलने के बाद लोगों ने हत्या की आशंका जताई थी, हालांकि अभी भी उसके परिजन खामोश है।
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग, बीजेपी सांसद बोले इंदिरा सरकार में भी हुआ था ऐसा। जी हां, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा विशेषाधिकार समिति के सामने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। निशिकांत दुबे ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भ्रामक, अपमानजनक, असंसदीय और आपत्तिजनक बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव की मांग की है। दुबे ने 1976 की उस घटना का भी हवाला दिया है जब सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा से बर्खास्त कर दिया गया था, जब उन्होंने संसद और पीएम इंदिरा गांधी के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। दुबे ने कहा कि अभी भी वही स्थिति है। निकाय चुनाव की मतदाता सूची में आज से ही जुड़वाए नाम, ऑनलाइन कर सकती हैं आवेदन। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ऐसे युवा जिनकी उम्र 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, वह आगामी निकाय चुनाव के लिए तैयार हो रही मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के लिए नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या पुराने मतदाताओं का संशोधन करने का मौका 11 से 17 मार्च के बीच मिल रहा है। मतदाता अपने मतदान केंद्र पर इसके लिए संपर्क करें। वहीं संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजधानी में मतदान केंद्रों पर इसके लिए मतदाता सूची का प्रकाशन आज से ही कर दिया गया है। बांके बिहारी मंदिर पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, पत्नी संग की पूजा अर्चना। जी हाँ दोस्तों, आज मथुरा के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। उनके साथ पत्नी साधना सिंह भी थी। उन्होंने पत्नी संग बांके बिहारी के चरणों में मत्था टेका, पूजा अर्चना कर मनौती भी मांगी। फिर गर्जेगा अतीक के करीबियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर, अब की बार बमबाज गुड्डू मुस्लिम। जी हां, माफिया अतीक अहमद के मददगारों और शूटरों के अवैध निर्माण पर एक बार फिर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली गई है। इसमें माफिया गिरोह से जुड़े अपराधियों के 20 से अधिक अवैध निर्माण सूचीबद्ध किए गए हैं। अब की बार किसकी अवैध निर्माण से ध्वस्तीकरण की शुरुआत होगी, इस पर सोमवार तक निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल इस कांड के बाद माफिया के 4 करीबियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ वारंट जारी, सुनवाई 20 मार्च को। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मारपीट व तोड़फोड़ के एक मामले में कोर्ट में हाजिर न होने पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू व संदीप सिंह के खिलाफ MP MLA कोर्ट के विशेष SGM अम्बरीश श्रीवास्तव ने वारंट जारी किया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 20,000 का जमानती वारंट जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 मार्च की तारीख तय की है। खबरों में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। खबर को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटे के निशान